हेलो गाइस, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टिलेज के बारे में। तो अगर हम सिंपल वर्ड में टिलेज के बारे में अगर कहें तो टिलेज क्या होता है? मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। मैकेनिकल मैनिपुलेशन कहने का क्या मतलब है? इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम सॉइल को क्या करते हैं, पलट देते हैं, टर्न ओवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स और इक्विपमेंट्स। टिलेज जो है एक सिंगल ऑपरेशन नहीं है या फिर सिंगल एक्शन नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, जो ऊपर का लेयर है यानी अपर लेयर ऑफ द सॉइल है उसको मिक्स करते हैं लोअर लेयर ऑफ सॉइल से विद द हेल्प ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स और टूल्स। हम सारे इक्विपमेंट्स और टूल्स के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे ट्रैक्टर ड्रिवन प्लोज होते हैं और जनरल प्लोज, जो कंट्री प्लो हो गया, बहुत सारे टिलेज टूल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। इन एंशियंट टाइम जो टिलेज ऑपरेशन था वो स्टार्ट हुआ था प्रिमिटिव टूल के हेल्प से, जिसमें हम सॉइल को डिस्टर्ब करते थे और सीड्स को क्या करते थे, सो करते थे। जो वर्ड टिलेज है वो एक एंग्लो सैक्सन वर्ड टीलियन से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू प्लो। टिलेज ऑपरेशन में हम करते क्या हैं, सॉइल को फाइन पार्टिकल में तोड़ देते हैं। जो फाइन पार्टिकल सॉइल्स हैं वही प्लांट रूट हेयर्स में जाके उनके एफिनिटी में ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट क्या होता है, अपटेक होता है। यानी सॉइल को, सॉइल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। टिलेज ऑपरेशन जो है ये करना इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत आइडियल कंडीशन देता है सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड एस्टेब्लिशमेंट के लिए और ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए। इसमें एक नया वर्ड होता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं टिल्ट। तो टिल्ट जो क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल है, यानी सॉइल का वो कंडीशन जो हमें टिलेज के बाद मिले उसको हम लोग टिल्ट बोलेंगे। टिल्ट बहुत कोर्स हो सकता है, फाइन हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से क्रॉप के लिए टिलेज कर रहे हैं और दूसरा हम कौन से इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं टिलेज में। हमारा दूसरा टॉपिक जो है डिस्कशन का है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। तो टिलेज का तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस लेक्चर में हम मेन सात जो ऑब्जेक्टिव है टिलेज का उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है टिलेज हेल्प करता है गुड सीड बेड प्रिपरेशन में। मतलब सीड बेड जो प्रिपेयर करते हैं हम किसी भी क्रॉप के लिए, जैसे राइस के लिए या फिर किसी भी क्रॉप के लिए, उसमें हम लोग को हेल्प करता है टिलेज। जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम राइस के केस में क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें हम पडलिंग में क्या करते हैं कि सीड बेड से हम निकाल के जो जो जर्मिनेटेड क्रॉप है, सीड क्रॉप जो है उसको हम क्या करते हैं, प्लांट रीप्लांट करते हैं पडल वाटर में, पडल लैंड में। सेकंड क्या है, टिलेज हेल्प्स टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। टिलेज की वजह से जो सॉइल का कंडीशन होता है वो इम्प्रूव होता है, इसीलिए प्लांट का बेटर ग्रोथ होता है। टिलेज जो है हेल्प करता है वीड कंट्रोल में। हम सॉइल को जब प्लो कर देते हैं, यानी जब हम उसको बीच से ओपन कर देते हैं, तो जितने वीड्स हैं वो अपरूट हो जाते हैं और उससे वीड का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट सनलाइट है वो क्या करता है, उनके सीड जर्मिनेशन, जो वीड्स के सीड्स हैं उनको भी जर्मिनेट करने नहीं देता है। फोर्थ जो है, जो टिलेज है वो हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि हम ज़्यादा जानते हैं टिलेज में क्या करेंगे, सॉइल को ओपन करेंगे तो उनके बीच के स्पेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी और जो एरेशन है या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट हेल्प्स टू मिक्स द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर विद द सॉइल। अगर हम सॉइल और सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर अगर इस तरीके से यूज़ करते हैं तो मिक्सडअप नहीं होगा कम्प्लीटली सॉइल के साथ, इसीलिए हम सॉइल को ओपन करते हैं और विद द हेल्प ऑफ जनरल प्लो हम टिलेज ऑपरेशन में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को इजीली मिला पाते हैं सॉइल के साथ। जो छठा ऑब्जेक्टिव है वो है इट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर एरेशन। जो सॉइल है वो ओपन करने पे हमारा क्या होता है, सॉइल का पार्टिकल क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, जिससे एयर जो होता है आराम से सॉइल पार्टिकल के बीच में रस कर जाता है। और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है इट्स हेल्प्स टू रिमूव द हार्ड पैंस। हार्ड पैन यानी सॉइल का जो कॉम्पैक्ट जो नीचे का लेयर हो जाता है, जो सॉइल और सब सॉइल लेयर जो हार्ड हो जाता है बहुत सारे मशीनरीज के वजह से या फिर डिफरेंट रीजन्स है इसके पीछे, तो उसको क्या करता है, तोड़ने में टिलेज ऑपरेशन हेल्प करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज। तो क्लासिफिकेशन जो है टिलेज का हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है टिलेज का वो टाइम के बेसिस पे किया जाता है, यानी टिलेज ऑपरेशन हम कब कर रहे हैं। पहला है ऑन सीजन टिलेज और दूसरा है ऑफ सीजन टिलेज। इस लेक्चर में हम यानी टिलेज के का जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में ऑन सीजन टिलेज और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और जो इसकी सेकेंड लेक्चर होगी उसमें हम पढ़ेंगे ऑफ सीजन टिलेज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑन सीजन टिलेज के बारे में। तो हम जैसे देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस चार्ट में, कि टिलेज जो है दो पार्ट में डिवाइड है, ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज जो है फिर फर्दर क्लासिफाइड है दो तरीके में, प्रिपरेटरी टिलेज और आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। ठीक है, और प्रिपरेटरी टिलेज को फिर फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। और यहाँ जो थर्ड है लेआउट ऑफ सीड बेड, ये टाइप नहीं होता है प्रिपरेटरी टिलेज का, एक कॉम्पोनेंट है प्रिपरेटरी टिलेज का, यानी जो प्राइमरी टिलेज है, सेकेंडरी टिलेज है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीड बेड का लेआउट बनाते हैं।
ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं ऑन सीजन टिलेज से। तो ऑन सीजन टिलेज क्या है? ये ऐसा टिलेज ऑपरेशन है जो कि सेम सीजन ऑफ, जिस सीजन में हम क्रॉप लगा रहे हैं उसी सीजन में इस टिलेज को हम करते हैं, इसीलिए इसको ऑन सीजन टिलेज कहते हैं। ये जो ऑन सीजन टिलेज है ये फिर फर्दर क्लासिफाइड है दो तरीके में, यानी प्रिपरेटरी टिलेज और दूसरा आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट में दिखाया है, प्रिपरेटरी टिलेज और दूसरा आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। तो आइए देखते हैं प्रिपरेटरी टिलेज क्या है। प्रिपरेटरी टिलेज ऐसा टिलेज ऑपरेशन है जिसमें हम फील्ड को प्रिपेयर करते हैं क्रॉप रेजिंग के लिए। इसमें हम डीप ओपनिंग करते हैं, लूजनिंग करते हैं सॉइल का, जिससे हम लोग क्या मिल पाता है, डिजायरेबल टिल्थ मिलता है और रूट को अपरूट, सॉरी वीड्स को अपरूट करने में हेल्प मिलता है। अब प्रिपरेटरी टिलेज भी दो टाइप का होता है, पहला प्राइमरी टिलेज और दूसरा सेकेंडरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज क्या है, इसको हम दूसरे वर्ड में प्लोइंग कहते हैं, और इसको जो प्लोइंग जो ऑपरेशन है उसको हम प्लो के हेल्प से करते हैं, PLOUGH, जिसको हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा जनरल प्लो है जो इंडियन फार्मर्स मोस्टली यूज़ करते हैं, जिसको हमने देखा होगा कि बैल के पीछे, बैलगाड़ी के पीछे हम ये लगा देते हैं। जो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन है ये हम इसलिए करते हैं कि हमारा क्रॉप हार्वेस्ट जो है वो जो हमारा लैंड है वो क्रॉप हार्वेस्ट के लिए ऑप्टिमम कंडीशन में आ जाए, नेक्स्ट क्रॉप जो हमें लगाना है उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन में आ जाए। हम प्राइमरी टिलेज में करते क्या हैं, जो कॉम्पैक्ट सॉइल है उसको ओपन करते हैं बहुत सारे प्लोज के हेल्प से, फॉर एग्जांपल काउंट्री प्लो, माउल्ड बोल प्लो, बोस प्लो और बहुत सारे ट्रैक्टर ड्रिवन टिलर्स होते हैं। हमारा सेकंड जो टाइप का प्रिपरेटरी टिलेज है वो है सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज क्या है, प्राइमरी टिलेज के बाद किया जाना और जाने वाला ऑपरेशन। ये जो जो टिलेज ऑपरेशन है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसी टिलेज के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉइल में अच्छा टिल्थ बनाते हैं, यानी डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप हम कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं तो जो टिल्थ कैसा होगा वो सेकेंडरी टिलेज से ही आता है। ये जो सेकेंडरी टिलेज है वो लाइटर और फाइनर ऑपरेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, जो सॉइल के क्लॉट्स बनते हैं यानी बड़े बड़े कॉम्पैक्ट जो टुकड़े बनते हैं उसको हम लोग तोड़ते हैं और छोटे छोटे फाइनर पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं उसको। इसमें हम क्लीनिंग ऑफ सॉइल भी करते हैं और मैन्योर फर्टिलाइज़र मिलाने के लिए भी हेल्प होता है सेकेंडरी टिलेज का। इसमें हम बेसिकली दो प्रोसेस करते हैं, हैरोइंग और प्लैंकिंग। प्लैंकिंग क्या होता है, प्लैंक के मदद से सॉइल को लेवल करना, और हैरोइंग क्या होता है, हैरोअर्स के हेल्प से बड़े बड़े क्लॉट्स को तोड़ना। इसमें हम स्पेड का भी यूज़ करते हैं। जितने भी मैं इक्विपमेंट्स का और जो भी मैं मशीन्स का बात कर रहा हूँ वो सारे मैं आगे वाले लेक्चर्स में उनके फोटोग्राफ्स और इमेजेस को भी दिखाऊंगा, अभी बस चीज़ें ये याद रखनी है। जो थर्ड कंपोनेंट है प्रिपरेटरी टिलेज का वो है लेआउट ऑफ सीड बेड। लेआउट ऑफ सीड बेड क्या है, थर्ड कंपोनेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी टिलेज के बाद जो हमें क्रॉप लगाना है उसका सीड बेड किस तरीके से बनेगा, कितने एरिया में बनेगा, उसका लेआउट बनाते हैं किसके हेल्प से, लेवलिंग बोर्ड और बग स्क्रैपर्स के यूज़ से। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है हमारा आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। इसको हम लोग इंटर टिलेज भी कहते हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि ऐसे ऑपरेशंस को हम करते हैं टिलेज में, तो उस टाइम पे करते हैं जब क्रॉप जो है हमारे फील्ड में स्टैंडिंग हो, यानी क्रॉप लगी हुई है और जो क्रॉप के यानी क्रॉप रोज के बीच में जो स्पेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, टिलेज ऑपरेशन करते हैं। इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है कि हमें अगर कोई न्यूट्रिशन देना है यानी फर्टिलाइज़र मैन्यूर देना है तो वो हमें मेन क्रॉप में ना दिला के या फिर बिना क्रॉप को डिस्टर्ब किए हम प्लांट को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हैरोइंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, होइंग करते हैं, वीडिंग करने में हेल्प करता है, अर्थिंग अप, ड्रिलिंग करने में, और जैसे मैंने बताया कि फर्टिलाइज़र का हम लोग ड्रेसिंग करते हैं सॉइल में, इसको हम लोग साइड ड्रेसिंग कहते हैं फर्टिलाइज़र का। इसीलिए ये जो इंटर कल्टीवेशन टिलेज है या फिर आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट सीडिंग टिलेज, यानी जब सीड हमने लगा दिया है उसके बाद टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ टिलेज है, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, एक ऑन सीजन टिलेज और दूसरा है ऑफ सीजन टिलेज। तो ऑफ सीजन टिलेज का मतलब क्या हुआ कि हम ये टिलेज जो ऑपरेशन है वो हम नेक्स्ट आने वाले क्रॉप के लिए करते हैं, मतलब हम कंडीशनिंग ऑफ सॉइल करते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो हम सेम क्रॉप जो है वो सेम सीजन में नहीं लगा रहे हैं, मतलब सेम सीजन में जो क्रॉप लगाना है उनके लिए हम कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉइल का कंडीशनिंग कर रहे हैं आने वाले मेन सीजन क्रॉप के लिए। इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज होता है जो कि हम इमीडिएटली कर देते हैं अपने क्रॉप के हार्वेस्ट के बाद, फॉर एग्जांपल पैडी के केस में,
ठीक है। ये और हेल्प करता है पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज हमारा, जैसे कोई स्टबल रह गया है फील्ड में किसी क्रॉप के हार्वेस्ट के बाद, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूसरा हो जाएगा समर टीलेज। समर टीलेज क्यों करते हैं, जो हमारा जो वीड्स रह गया है या फिर अगर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन है सॉइल में, उसको डिसइन्फेक्ट करने के लिए करते हैं। तो समर टीलेज क्या करते हैं, जब हॉट समर होता है तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, सॉइल को ओपन कर देते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि सॉइल जो सन का डायरेक्ट रेज है, जो तेज किरण है, वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जो सॉइल को ख़राब कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। हमारा जो अगला जो ऑक्सीजन टिलेज का जो टाइप है वो है विंटर टिलेज, सिमिलरली विद समर टिलेज है। और लास्ट जो होता है फैलो टिलेज। फैलो टिलेज क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि लैंड को प्लो करते हैं और उसको अनसीडेड छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए। इससे क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो आई होप ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस टिलेज, जैसे सब सॉइलिंग, क्लीन टिलेज, ब्लाइंड टिलेज, ड्राई टिलेज, वेट टिलेज के बारे में, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन टिलेज जैसे मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, स्टेबल मल्च टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज के बारे में। आई होप ये लेक्चर क्लियर है, और अगर किसी को दिक्कत है वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल गोफर एग्रीकल्चर पे पूछ सकता है और कमेंट सेक्शन में भी पूछ लो। अगर किसी को भी इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लो।